हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं एंड उनकी रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व भी करेंगे और उनमें क्या करेंगे, केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करेंगे। बिफोर डैट प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स डैट द नंबर ऑफ सेम एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। इसमें क्या है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है, देखिए हमने पहले वीडियो में डिस्कस करा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड होता है केमिकल इक्वेशन को, रिएक्शन को, ठीक है। जब हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम क्या रहते हैं, दोनों साइड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तब वो रिएक्शन या फिर इक्वेशन हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे डैट हम केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करने की ऐसी नीड क्या है, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो मास होता है, टोटल मास होता है प्रोडक्ट का रिएक्शन में, वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मास होता है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय। उस बेसिस पर अगर जितना भी हम मास रिएक्टेंट में लेते हैं उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में भी फॉर्म करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक एग्जांपल है, द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैग्नीशियम को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, एंड फॉर्म क्या हो रहा है, एनजीओ। बट ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, देखिए। और नीचे वाली रिएक्शन क्या है, 2Mg+2O gives 2MgO, ये रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस्ड हुई। इसमें क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद देखिए हमने डिस्कस कर लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड उसकी नीड क्यों है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाए। बिफोर डैट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़। देखिए केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, कुछ मेजर स्टेप हैं। पहला क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इक्वेशन, कीप द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द सॉरी रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, सेपरेट देम बाय एन एरो हेडेड पॉइंटेड फ्रॉम द रिएक्टेंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि जो हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं उनको क्या प्लेस करेंगे, जो रिएक्टेंट होते हैं उनको लेफ्ट साइड लेंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको राइट साइड लेंगे, एंड उनको सबट्रैक्ट किससे करेंगे, एरो के साथ। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, कन्वर्ट द वर्ल्ड इक्वेशन इंटू सिम्बॉलिक इक्वेशन बाय राइटिंग द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, इस साइड क्या होंगे रिएक्टेंट, इस साइड क्या होंगे प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए हमने ए, एक हमारे पास सब्सटेंस है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, बी सब्सटेंस के साथ, और फॉर्म क्या हो रहा है, ए बी,
ठीक है। जो वर्ड इक्वेशन होती है, वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, हम उनके जो सब्सटेंस होते हैं उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक इक्वेशन में उनके सिंबल्स से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा, मेक द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल बाय द सुटेबल मेथड। दोनों साइड क्या करना होगा हमें, दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उनको क्या करना होगा, इक्वल, ठीक है। दिस इज नॉन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, और इसी को क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल देखिए, पहले एग्जांपल क्या है, जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेड विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसमें क्या हो रहा है कि जो जिंक है, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड फॉर्म क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए इसकी वर्ड इक्वेशन क्या होगी, वर्ड्स में मैंने बोला था वर्ड इक्वेशन में क्या लिखते हैं, हम उसका नाम लिखते हैं जो भी सब्सटेंस है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उसके बाद हम उसको सिंबॉलिक वे में लिखते हैं, सिंबॉलिक इक्वेशन में लिखते हैं, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4, और जिंक सल्फेट क्या होता है, Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन एक गैस है तो हम एक सिंगल एटम नहीं रखते, हमेशा हाइड्रोजन जो होगा वो कैसे प्रेजेंट होगा, H2 की फॉर्म में। उसके बाद हम देखते हैं डेट इनके एटम्स किस तरह कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है लेफ्ट और राइट साइड में। काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जिंक, लेफ्ट साइड भी वन है और राइट साइड भी वन है। देखिए यहाँ पर वन नंबर ऑफ एटम जिंक के कितने हैं, वन, और इधर भी वन। उसके बाद हाइड्रोजन, टू, दोनों साइड कितनी है, यहाँ पर टू और यहाँ पर टू। उसके बाद सल्फर, यहाँ पर एक सल्फर प्रेजेंट है और एक यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है। देन ऑक्सीजन, यहाँ पर फोर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर फोर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देखिए इन लेफ्ट साइड और राइट साइड रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एज द नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इक्वल, द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये इक्वेशन कैसे है, बैलेंस्ड है। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या लिया मैंने, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ठीक है। हमें देखिए स्टेप वाइज हमें एग्ज़ाम में नहीं करना होता, क्योंकि एग्ज़ाम में वन मार्क की इक्वेशन आती है एंड हमें डायरेक्ट उसे बैलेंस्ड करना होता है अपने तरीके से। यहाँ पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रही हूँ और यहाँ पर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट में कितने हैं Na, वन, और प्रोडक्ट में भी वन। उसके बाद हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, टू, यहाँ पर लिख दिया टू, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखियो टू और प्लस वन कितने हो गए, थ्री हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, वन, और इधर भी वन। इट मीन्स जो हमारी रिएक्शन है वो किस वजह से अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन के एटम्स की वजह से। इस साइड दो हाइड्रोजन है और इधर तीन हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस। देखिए अगर सपोज करें मैं यहाँ पर टू लगा दूँ, ठीक है, टू लगा दिया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, टू टू ज़ा फोर। बट हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, टू,
अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ Na के सामने, ठीक है, Na अब इधर कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो गए इधर 2, 2+2, 4, ठीक। अब बैलेंस क्या है, कौन सी चीज़ बैलेंस रहने बैलेंस होने से रहेगी है Na, अगर मैं Na के सामने 2 लगा दूँ तो बैलेंस हो गए। देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, इक्वल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, Fe+H2O गिव्स Fe3O4+H2। सबसे पहले हम एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, Fe प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। Fe लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड 1 प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड 3 प्रेजेंट है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4, ठीक। अब हम अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाएं तो हमें यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, तभी तो 4 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। अब हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए बट हाइड्रोजन नहीं बैलेंस हुए ना, 4 2 8, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए 8 और इधर तो 2 ही है, तो अगर मैं यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 8, ठीक है। बचा क्या, Fe इधर कितनी है 3, सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3, ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या हो गई, हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, क्या है, BaOH2+HBr गिव्स BaBr2+H2O। जल्दी से एलिमेंट लिखते हैं, BaOH, ठीक है, और कुछ प्रेजेंट है, और है Br, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, Ba इधर कितना प्रेजेंट है 1, ठीक है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है 2 और इधर 1, इधर हाइड्रोजन कितने बैलेंस है, हाइड्रोजन कितनी है 2+1, 3 और इधर हाइड्रोजन 2, Br इधर कितने हैं 1 और इधर Br 2, ठीक है। अगर हमें Br को बैलेंस करना है तो अगर यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, राइट, हमारा अब Br तो बैलेंस हो गया। एक देखिए एक एक एलिमेंट को लेकर चले, एक एलिमेंट को बैलेंस करते रहे फिर दूसरे एलिमेंट तक पहुँच जाएँ, बट अब हमारा हाइड्रोजन क्या हुआ, बैलेंस नहीं हुआ ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितने हो गए 2+2, 4, ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर मुझे 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन हो गए 4, ठीक। अब क्या बचा है हमारा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, देखिए यहाँ पर भी 2 हो गए, और Ba यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 है, रिएक्शन बैलेंस हो गई हमारी, ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड। हमें इसी तरीके से रिएक्शंस को क्या करना है, बैलेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दैट बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है और हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।